नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं लद्दाख की अद्भुत यात्रा पर। बहुत ही खूबसूरत जगह है। गर्मी के मौसम में भी इतनी ठंडी रहती है कि आप वहां जाकर आप भूल जाते हैं कि गर्मी क्या है उत्तर भारत में। देखिए कितना सुंदर लगता है, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, रास्ता चारों तरफ सफ़ेद जैसे चादर बिछी है। प्रकृति की अनुपम भेंट है ये हिमालय का अपर हिस्सा लद्दाख। आप जानते हैं लद्दाख में बीच में एक रेगिस्तान भी है जहां बहुत गर्मी होती है गर्मी के मौसम में, लेकिन अभी तो काफी ठंड है। देखिए पहाड़ियां कितनी खूबसूरत हैं, बीच में हाईवे बने हैं जहां पर से लोग जाते हैं सड़क के द्वारा। बाइक से और कार से अक्सर लोगों का यहां आना जाना होता है, बहुत सारे ट्रैकर्स चलते हैं। अद्भुत पहाड़ियाँ, ये देखिए पेंगोंग लेक ठंड की वजह से जम गई है, इतनी सुंदर लग रही है। इसके ऊपर हम चल रहे हैं, एक झील के ऊपर चलना कितना अद्भुत लगता है। यहाँ कुछ लोग आनंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पेंगोंग लेक के चारों तरफ पहाड़ियां, कितना सुंदर नजारा। देखिए अद्भुत सौंदर्य पेंगोंग लेक लद्दाख। कुछ लोग तो डांस भी कर रहे हैं, ये देखिए। और ये देखिए भाई साहब ने तो फेंक ही दिया अपनी जैकेट। गर्मी के मौसम में पेंगोंग लेक ऐसी लगती है, देखिए कितना सुंदर है। सर्दियों में ये जम जाती है, गर्मी के मौसम में इतना सुंदर नजारा होता है इस लेक का। देखिए दूर से ये झील कितनी सुंदर लगती है देखने में। ये बर्फ से जमी हुई पेंगोंग लेक है लद्दाख में, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र लद्दाख की भूमि। और देखिए रास्ते में जब हम हाईवे पे चलते हैं तो पहाड़ी नज़ारा इतना अनुपम लगता है, इतना सुंदर अद्वितीय है कि मन मोह लेते हैं हिमालय के ऊंचे पर्वत, मन ही नहीं भरता इनको देखते देखते। और ये देखिए जगह जगह लद्दाख में विकास कार्य हो रहे हैं, ये किसी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं नीचे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कुछ छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, लेकिन पीछे पहाड़ियां कितनी खूबसूरत हैं। ये पहाड़ियां बर्फ के मौसम में सर्दियों में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती हैं और एकदम सफेद हो जाता है। ये देखिए अद्भुत नजारा। वो सामने देखिए वो एक मोनेस्टी है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है मोनेस्टी जाने का, तो मोनेस्टी के पास ही एक बुद्धा की मूर्ति है, हम वहां जाएंगे। और ये देखिए मोनेस्टी के अंदर ये होते हैं, इसको घुमाते हैं तो अच्छा होता है, माना जाता है कि ये शुभ होता है इनको घुमाना। और ये देखिए ये वो जगह जहाँ एक बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ का नज़ारा देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, अनुपम सौंदर्य हिमालय पर्वत श्रृंखला का। और ये देखिए भगवान बुद्ध की ये मूर्ति कितनी सुंदर है, मन मोह लेती है ये मूर्ति। चारों तरफ का नज़ारा देखिए, पहाड़ी श्रृंखला, पर्वत, ठंडा मौसम, वो सामने मोनेस्टी है। और ये देखिए सूर्य की रोशनी कितना अद्भुत नज़ारा है। चलिए मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। भगवान बुद्ध की परिक्रमा करते हुए मन में भगवान का ध्यान कीजिए, अद्भुत शांति मिलती है इस जगह में। बहुत ही सुंदर नक्काशी है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, और इसके सामने खड़े होकर बस ध्यान लगाइए, इतना अच्छा लगता है, महसूस होता है कि आप एक अलग दुनिया में हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको असीम शांति और प्रेम का संदेश देती है। भगवान को अपने अंदर ढूंढिए, लुक इनसाइड। तो दोस्तों देखा आपने कितनी सुंदर मूर्ति है, कितना सुंदर नज़ारा है चारों तरफ। इसकी परिक्रमा लोग करते हैं, पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है ये, बहुत सारे पर्यटक हमेशा आते हैं। और ये देखिए अलग अलग नज़ारे लद्दाख के रास्ते में।
ये सारी पहाड़ियाँ सर्दी के मौसम में पूरी तरह से ढक जाती हैं। वो देखिए सामने पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ हम देख सकते हैं, अभी भी बहुत सुंदर नज़ारा है। और वो देखिए सामने बर्फ, ये देखिए खूबसूरत पहाड़ियाँ, अद्भुत दृश्य, मन को मोह लेने वाले पहाड़ जिनको देखने से कभी मन नहीं भरता। और हाईवे पे चलते हुए, जो लद्दाख के हाईवे है उस पे चलते हुए कितना सुंदर नज़ारा दिखता है सामने, ये अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है। शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर कभी अगर मौका मिले तो लद्दाख की वादियों में आइए, यहाँ की सुंदर पहाड़ और ठंडा मौसम जरूर आनंद लीजिए इसका। और हाँ, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लद्दाख आएँ तो एक दिन आकर सिर्फ आराम करें, अपने शरीर को एडजस्ट होने दें यहाँ के वातावरण में। ऑक्सीजन कम है तो बहुत सारे लोगों को आते ही सर में दर्द हो जाता है और कुछ लोग तो अगले दिन ही वापस चले जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, एक दिन हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चलिए, पहुँचिए लद्दाख और एक दिन सिर्फ होटल में आराम कीजिए, उसके बाद अगले दिन घूमना शुरू कीजिए। देखिए हाईवे पर चलते हुए कितना सुंदर नज़ारा पहाड़ों का है। बहुत सारे मोटरसाइकिल ट्रैकर यहाँ आते हैं यात्रा करने के लिए, वो ट्रैकिंग करते हैं और उसके बाद वो लद्दाख की यात्रा करते हैं बाइक से, हम लोग गाड़ी से हैं। बहुत ही सुंदर हाईवे है पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए। आजकल लद्दाख में विकास कार्य भी बहुत हो रहे हैं, देख सकते हैं आप चारों तरफ काम चल रहा है। और दोस्तों ये है एक संगम, यहाँ दो नदियाँ मिलती हैं आकर, अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, बहुत एक धार्मिक दृष्टि से भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लोग यहाँ आते हैं और अगर कर सकते हैं तो स्नान भी कर सकते हैं, बाकी जल को लेकर अपने ऊपर छिड़कना तो बहुत ही अच्छा है। देखिए चारों तरफ हिमालय की ऊँची पहाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मन को मोह लेने वाला ये दृश्य है। ये देखिए ये संगम है, ये थोड़ा ऊपर से हम देख रहे हैं, ये देखिए ये संगम है जहाँ दो नदियाँ मिल रही हैं, दो नदियाँ मिलकर यहाँ एक नदी बन जाती है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ बहुत ही अद्भुत है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, नीचे नदी है और ये संगम है। दोस्तों ये लद्दाख का मेन मार्केट है, मेन बाजार है, ये देखिए आई लव लद्दाख लिखा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर बाजार है। ठंडा मौसम हमेशा होता है तो कभी भी आपको यहाँ टी शर्ट में नहीं मिलेंगे, हमेशा जैकेट पहनकर लोग रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा यहाँ। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और आपके कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लद्दाख के अद्भुत नज़ारों के साथ लद्दाख के बाज़ार में देखिए लोग अपना घूम रहे हैं शॉपिंग करते हुए। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म करूँगा, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।